पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से आज एक और सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया। आरपी यादव एमडीए के जेई के पद पर कार्य करते हुए आज रिटायर हो गए। एमडीए सभागार में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा अभिवादन किया गया और शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। इस दौरान अपने वक्तव्य रखते हुए सभी ने कहा कि एमडीए को हमेशा ही अपनी सेवाएं देकर विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाया और विभाग को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। सभी ने कहा कि कुशलतापूर्वक एमडीए से रिटायर होकर अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, साथ ही एक साथ परिवार को इतना समय और प्यार दें जो सर्विस के वक्त दे पाने में वो असमर्थ रहे। इस अवसर पर सभी ने बारी बारी से जेई आरपी यादव का फूल मालाएं पहनाकर रिटायरमेंट की शुभकामनाएं दी, फूल मालाएं पहनाकर सम्मान दिया। अंत में सभी का आरपी यादव ने आभार जताया। इस दौरान मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार के साथ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव अंजुलता के साथ और भी अधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों की जो ये परंपरा है उसके तहत काफी कुछ जानने को मिल जाता है। आखिरी दिन कई सारी जो गलतफहमियां होती है वो भी दूर हो जाती है व्यक्ति के बारे में। यद्यपि परंपरा इस तरह की है कि जाते हुए व्यक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं बोला जाता। एक बार जो है जजमेंट क्लाउडेड भी हो जाता है कि भाई कोई भी जा रहा है तो उसके लिए आदमी जो है कहता अच्छा ही चाहिए। लेकिन कुछ चीजें जो है टीम जो है जनरल टीम पता चल जाती है कि कितने लोग विलिंग है, उसके रिटायरमेंट में माहौल कैसा है, उन सब चीजों से व्यक्ति के बारे में काफी कुछ पता चलता है। यादव जी से इतना तो नहीं है, मतलब हुआ है सर, जब एनफोर्समेंट की मीटिंग लेते थे उसमें मैंने देखा है इनको, तो हमेशा जब सर कुछ डांट मतलब कुछ डायरेक्शंस देते थे कभी तो कहते थे सर मेरी प्लेटलेट्स, तो सबसे पहले तो अपनी प्लेटलेट्स बढ़ाइए, आप 60 साल के बाद आप खूब खाना है, आपको कीवी खानी है, गुड़ चना ये सब जिसमें प्लेटलेट्स बढ़ती है वो खाना है, ठीक है अब ये शिकायत का मौका मत दीजिएगा। और रिटायरमेंट के बाद आपने जो हॉबीज अपनी परस्यू नहीं की हैं, करियर में होता है कि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं और कुछ चीज़ें हम परस्यू नहीं कर पाते हैं जो हम सोचते हैं वो आप करिएगा, अपनी वाइफ को घुमाइएगा, उनकी भी शिकायत होगी शायद आप टाइम नहीं देते होंगे। और दूसरा एक मतलब थोड़ी सी हटके बात कहूँगी कि थोड़ा सिगरेट कम पीजिएगा, क्योंकि अब आप 60 वर्ष के हो गए है ना, छोड़ दी बहुत अच्छी बात है छोड़ दी, तो अब थोड़ा कम पीजिए तो आप बात लगा था जिसमें इन्हीं का क्षेत्र था तो ये जाते थे, होता है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, तो इंजीनियर को जनरली होना चाहिए कि एक का मास्टर हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड के आदमी ज्यादा हैं, मतलब मुझे लगता है ऑफिशियल उसमें थोड़ा कम है लेकिन फील्ड का इनको मास्टरी है। तो आपके भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें सबसे पहले, जहाँ घूमना है वहाँ घूमें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। थैंक यू सो मच। इनके जो मानदेय है जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स है उसका चेक उपाध्यक्ष महोदय प्रदान करेंगे यादव जी को। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।